हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गिफ्ट के बारे में। ठीक है, गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, ये क्या है? ये एक टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है, इनफर्टिलिटी को, ठीक है, इनफर्टिलिटी को ह्यूमन में ट्रीट किया जाता है। इससे पहले मैंने आपको IVF के बारे में बताया है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, इसको आप पहले पढ़ लीजिएगा तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो में हम लोग गिफ्ट भी पढ़ेंगे और जिफ्ट भी पढ़ेंगे। ठीक है, जिफ्ट में क्या होता है? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, तो गिफ्ट और जिफ्ट पढ़ेंगे, दोनों के डिफरेंसेस को देखेंगे, IVF के साथ के इसके डिफरेंसेस को देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ये ट्रांसफ़र होता क्या है। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक असिस्टिंग प्रेगनेंसी है। मतलब क्या होता है? अगर प्रेगनेंसी नेचुरली नहीं हो पाती है तो ऐसे में फीमेल से एग को, मतलब वुमेन से एग को और मेल से स्पर्म को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, उसकी मिक्सिंग करके और उसको हम लोग इमिडिएटली फैलोपियन ट्यूब में इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसको अच्छे से जानते हैं कि गिफ्ट क्या है। Includes removing the female egg, sperm and mixing it into the fallopian tube immediately. इसमें क्या करते हैं, देखिए IVF में मैंने आपको क्या बताया था कि जब ओवरी से एग को निकालते हैं और फिर जब स्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन करते हैं हम लोग, क्या आउटसाइड द बॉडी, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जायगोट बनेगा, फिर इम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, उस इम्ब्रियो को लगभग 5 डेज बाद में, ठीक है, जब वो कुछ सेल का हो जाता है उसका डिवीज़न, तब उसको इम्प्लांट करते हैं यूट्रस में। लेकिन गिफ्ट में क्या करते हैं कि मिक्सिंग करके तुरंत ही उसको फैलोपियन ट्यूब में उसको इंसर्ट कर देते हैं। टाइम नहीं लेते हैं, 3-4-5 दिन का नहीं, तुरंत करते हैं। तुरंत क्यों करते हैं ये अभी अब हम लोग जानेंगे। अनलाइक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसप्लांटेशन, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन गैमेट फैलोपियन ट्यूब ट्रांसप्लांटेशन इज इन फैलोपियन ट्यूब रेदर देन इन पेट्री डिश। तो IVF में क्या करते थे हम लोग, फर्टिलाइजेशन पेट्री डिश में करते थे। किसका? एग का और किसका, स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हम लोग पेट्री डिश में करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर उसकी मिक्सिंग करके एग और स्पर्म की तुरंत फैलोपियन ट्यूब में डाल दी जाती है। ठीक है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे क्या करते हैं, इनसाइड द बॉडी ही फर्टिलाइजेशन गिफ्ट में होगा, लेकिन IVF में क्या होता था, फर्टिलाइजेशन पेट्री डिश में होता था। ठीक है, हाउएवर अ हेल्दी फैलोपियन ट्यूब इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गैमेट ट्रांसप्लांटेशन। तो कहीं ना कहीं हम इसमें क्या कर रहे हैं, गैमेट का ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, किसमें, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, गैमेट का ट्रांसप्लांटेशन हम लोग, गैमेट में क्या होगा, एग और स्पर्म क्या है, गैमेट ही हैं। तो होता क्या है कि मे भी, जैसे मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, और ऐसे करके जो है स्ट्रक्चर है वजाइना का, ये फैलोपियन ट्यूब हो गई। ठीक है, उसके बाद ये यूट्रस हो गया, उसके बाद ये सर्विक्स हो गया, वजाइना हो गया। तो इनकेस जब यहाँ पर स्पर्म आएगा, ठीक है, और वो किसी वजह से फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है, वो बाहरी डिस्कार्ड हो जा रहा है वेजिना कैसिडी कंडीशन से, तो बहुत सारे स्पर्म हो ही जाते हैं ख़राब, लेकिन हो सकता है जो कुछ जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में वो भी ना पहुंच पाए। तो ऐसे में क्या करते हैं, स्पर्म को और ओवरी से एग को निकाल के क्या करते हैं, यहाँ फैलोपियन ट्यूब में वहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं कि वहाँ पर नेचुरली क्या है, फर्टिलाइजेशन हो जाए। ठीक है, और उसके बाद वो धीरे धीरे क्या होगा, खुद ब खुद जो डेज होते हैं, 3-4 दिन 5 दिन 7 दिन के बाद, फिर वो यूट्रस में आके फिर उसकी वॉल पे अटैच हो जाए, इंडोमेट्रियम पे नेचुरली, मतलब इम्प्लांटेशन हो जाए। बस हम लोग इसमें क्या करते हैं,
एग को निकाल के और स्पर्म को मिक्सिंग करके यहाँ पर डाल देते हैं, अगर किसी वश कारणवश अगर स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुँच पाया हो तो, या एग सही टाइम पे ना पहुँच पा रहा हो जब फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, तो ऐसे में। नेक्स्ट क्या है, प्रोसेस, ठीक है, इसका प्रोसेस कैसे होता है ये भी जान लीजिए। द पेशेंट फर्स्ट नीड्स एन एक्सरे टू मेक श्योर दैट एटलीस्ट वन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज़ हेल्दी। इस केस के लिए, गिफ्ट के लिए, फैलोपियन ट्यूब का सही होना, एटलीस्ट दो होती है ना, दो फैलोपियन ट्यूब होती हैं, एटलीस्ट वन जो फैलोपियन ट्यूब है उसका सही होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब फैलोपियन ट्यूब हेल्दी रहेगी तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। और ये कैसे करते हैं डॉक्टर, द डॉक्टर विल डू अ लैप्रोस्कोप टू इंश्योर दैट देर इज़ नो स्कार टिश्यू आउटसाइड द फैलोपियन ट्यूब। तो देखेंगे कि वहाँ के टिश्यू सही हैं कि नहीं, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो पाएगा कि नहीं। तो ये कंडीशन है कि फैलोपियन ट्यूब एटलीस्ट एक तो हेल्दी होना ही चाहिए। उसके बाद क्या है, लेपारोस्कोप, ठीक है, इज़ यूज टू रिमूव एग फ्रॉम दी ओवरी, ओवरी से जो यहाँ पे ओवरी यूट्रस पे जो अटैच होती है यहाँ से एग को निकाल लिया जाता है। व्हेन द एग इज़ टेकन आउट द मैन प्रोवाइड्स अ स्पर्म सैंपल, ठीक है, एग एंड स्पर्म आर मिक्सिंग इन अ कैथेटर, कैथेटर में उसको हम लोग मिक्सिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद तो जो मिक्स्ड एग और स्पर्म है उसको जो है फैलोपियन ट्यूब नहीं, कैथेटर की मदद से फैलोपियन ट्यूब में रख दिया जाता है, ठीक है। अ मेडिसिन विल बी प्रोवाइडेड टू वुमेन टू हेल्प बिल्ड द इंडोमेट्रियम एंड हेल्प इम्प्लांट द फर्टिलाइज्ड एग। ऐसे में क्या होता है, वुमेन को कुछ मेडिसिन दी जाती है जिससे कि, देखिए होता क्या, फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे जो इंडोमेट्रियम जो होती है, यूट्रस की जो वॉल होती है, लेयर होती है, उसको भी तैयार होना पड़ता है, ताकि यहाँ पे जब ब्लास्टोसिस्ट जो होता है उस जब फॉर्म में जब यहाँ पे आए जाइगोट, मोरूला और फिर ब्लास्टोसिस्ट, तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो सके। तो इसके लिए वॉल भी क्या करती है, कुछ चीज़ें सिक्रीट करती हैं, तभी हो पाता है। तो ऐसे भी मेडिसिन दिया जाता है ताकि इंडोमेट्रियम तैयार हो जाए, वहाँ पे इम्प्लांटेशन हो पाए, ठीक है। तो ये भी ऑपरेट करते हैं कि वहाँ पे मिक्सिंग करके यहाँ पे रख देते हैं फैलोपियन ट्यूब में, और दूसरा दवा भी देते हैं। इफ़ देयर आर एक्स्ट्रा एग यू कैन यूज़ देम फॉर IVF एंड सेव एनी वायबल एम्ब्रियो फॉर फ्यूचर। अगर एक्स्ट्रा एग भी वहाँ पे रहता है, हेल्दी एग, वो रख मतलब मान लीजिए कि निकाले हैं ओवरी से, तो उसको भी रख लेते हैं फ्यूचर के यूज़ के लिए, ठीक है। तो इस फिगर में आप क्या देख सकते हैं, गिफ्ट टेक्निक देख रहे हैं, ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, ये क्या है, ओवरी है, ये क्या है, यूट्रस है, ये सर्विक्स है, ठीक है, फिर वेजाइना है। तो ये आप देख रहे हैं कि दो फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया है, इसमें कि स्पर्म और एग को क्या किए हैं, देखिए इस कैथेटर में लेते हुए यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे रख दिया गया है, इंसर्ट कर दिया गया है, जिससे क्या होगा, यहाँ जायगोट बनेगा, जायगोट से धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा, यूट्रस में आके यहाँ वॉल से, वॉल पे क्या होगा, इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आपको क्या देखना है इस फिगर में, मेन चीज़ की किस तरीके से कैथेटर में स्पर्म और एग को लेके यहाँ पे रिलीज किया जा रहा है फैलोपियन ट्यूब में, ठीक। उसके बाद क्या है कि ये क्या होता है, गैमिड इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र इज सुटेबल फॉर, किसके लिए सुटेबल होता है, जैसे इनफर्टिलिटी हो गई, IVF अगर नहीं हो पाया, ठीक है, या रिलीजियस जो है कुछ इथिकल फैक्टर्स हैं, मतलब बहुत लोग नहीं चाहते हैं कि आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन हो, है ना, वो चाहते हैं कि बॉडी के अंदर ही हो, तो ऐसे में वो IVF टेक्नोलॉजी को नहीं फॉलो करते हैं, वो इस टेक्नोलॉजी के लिए जाते हैं, ठीक है। इसमें एक जो है फैलोपियन ट्यूब अगर हेल्दी है, मान लीजिए एक डिस्टर्ब भी हो गई, अगर एक हेल्दी है तो ये किया जाता है गिफ्ट को, ठीक है। और इसमें ये भी हो सकता है प्रॉब्लम, मतलब इसमें मतलब कि ये किया जाता है गिफ्ट की, अगर इस काउंट जो है ह्यूमन का या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो बाहर उसको निकाल के पहले देख लेते हैं, जो अच्छा स्पर्म होगा, जो अच्छी जो एग होगा वही सिलेक्ट करेंगे, और तभी जो है उसको फैलोपियन ट्यूब में क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वालिटी क्वांटिटी की अगर कमी हो जाती है तो उसको देखते हुए ये टेक्निक की जाती है, ठीक है।
उसके बाद डिफरेंसेस क्या हैं आईवीएफ में और गिफ्ट में, मैंने आपको बता दिया। इन विट्रो में क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में लैबोरेटरी में फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि गिफ्ट में कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, जो वुमेन होती हैं आईवीएफ की टेक्नोलॉजी कब यूज़ करती हैं, जब फैलोपियन ट्यूब में अगर कोई ब्लॉकेज आ जाता है, डैमेज हो जाता है तो। लेकिन गिफ्ट में अगर एक भी फैलोपियन ट्यूब सही है तो गिफ्ट टेक्निक को यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन विट्रो में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो फाइनली एम्ब्रियो बन गया, तो श्योरिटी रहती है कि एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर रहे हैं। लेकिन गिफ्ट टेक्नोलॉजी में क्या होती है, वो फैलोपियन ट्यूब में इंसर्ट तो कर देते हैं स्पर्म और एग को, है ना, लेकिन फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं सही तरीके से ये नहीं पता चलता है इसमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब इसके जो हैं क्या मेरिट और डिमेरिट हैं, तो इसमें क्या है, बिकॉज द फर्टिलाइजेशन हैपन्स इन साइड हर बॉडी इंस्टीड ऑफ ए पेट्री डिश, द सक्सेस रेट विद गिफ्ट इज़ रिलेटिवली हाई। देखिए, कोई भी चीज़ जब आर्टिफिशियली किया जाता है तो कभी भी नेचुरल से उतना बेटर तो नहीं होता है। तो यहाँ गिफ्ट में जब फर्टिलाइजेशन अगर फैलोपियन ट्यूब में अगर होता है, फैलोपियन ट्यूब में, तो ये इसकी मतलब चांसेस ज़्यादा हैं कि हो, उसको एक अच्छा नेचुरल कंडीशन मिलता है, जबकि आईवीएफ में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद एक्सपर्ट्स थिंक दैट द जर्नी थ्रू फैलोपियन ट्यूब नरिशेज द न्यू एम्ब्रियो, गिविंग इट अ बेटर चांस ऑफ बीइंग हेल्दी एंड एबल टू इम्प्लांट इन द यूट्रस। अनदर रीजन फॉर इंक्रीज सक्सेस रेट कुड बी टाइमिंग। तो देखिए, होता क्या है, जब फैलोपियन ट्यूब से जाइगोट, ठीक है, फिर मोरूला, फिर जो स्टेजेस, जो इसकी जो डिवीज़न होगा, उसको नरिशमेंट भी कहीं ना कहीं से मिलता रहेगा। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब से, यूट्रस से, तो वो हेल्दी रहेगा, वो जायगोट, वो एम्ब्रियो हेल्दी रहेगा, इम्प्लांटेशन अच्छे से कर लेगा। ठीक है, और टाइमिंग भी उसकी सही रहेगी, क्योंकि उसको सब कुछ खुद ब खुद मिल रहा है ना, नेचुरल जो है। जबकि आईवीएफ में क्या होता है, वो सारी कंडीशन बाहर से प्रोवाइड करनी पड़ती है, नरिश करना पड़ता है उसको। तो मे बी अगर नरिशमेंट अच्छे से नहीं हो पाया, कोई कमी रह गई टेम्परेचर में, वेरिएशन की, कोई इन्फेक्शन हो जाए बाहर, कुछ भी इस तरीके का, तो प्रॉब्लम होता है आईवीएफ में, लेकिन गिफ्ट में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद द एम्ब्रियो अराइव्स एट द राइट टाइम फॉर इम्प्लांटेशन। तो जब सही टाइम होता है तभी इम्प्लांट करता है गिफ्ट में, जबकि आईवीएफ में देखना पड़ता है। ठीक है, यूट्रस में जब उसको इंसर्ट किया जाता है, तो प्लेस किया जाता है, तो टाइमिंग को भी लेके गिफ्ट में अगर एक बार अगर फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब सही टाइम पे हो जाए, तो हो सकता है कि सारी चीज़ें अपने आप ही सही हो, नेचुरली सही हो। ठीक है, तो ये हो गए इसके फ़ायदे। ये नुकसान क्या है, नुकसान से पहले ये भी जान लीजिए कि जब गिफ्ट करते हैं तो इसमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होने की बहुत ज़रूरत नहीं होती है, लगभग 8 घंटे में ही वो रिकवर कर जाता है। लेकिन आईवीएफ में थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, उसमें पेशेंट रहता है हॉस्पिटल में। और इसका डीमेरिट यही है कि जो है एम्ब्रियो की क्वालिटी नहीं देखी, मतलब कंफर्मेशन तो होता ही नहीं है फर्टिलाइजेशन हुआ कि क्या हुआ। ठीक है, बस वहाँ पे स्पर्म और एग को फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है। वुमेन विद ब्लॉक डैमेज फैलोपियन ट्यूब आर नॉट एबल टू परफॉर्म गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब फैलोपियन ट्रांसप्लांटेशन। देखिए, गिफ्ट में क्या होता है, अगर फैलोपियन ट्यूब दोनों ही डैमेज हो गई, तो ऐसे में गिफ्ट टेक्निक का यूज़ नहीं किया जा सकता है, वहाँ आईवीएफ की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मेरिट और डिमेरिट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे जिफ्ट को लेके। ठीक है, जिफ्ट क्या है, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। देखिए, गिफ्ट में क्या था उसका फुल फॉर्म, पहले तो उसके फुल फॉर्म से ही समझ लीजिए कि उसमें क्या होगा। वहाँ गैमेट का ट्रांसफ़र किया जाता था इंट्रा फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन जायगोट में क्या, अरे जिफ्ट में क्या किया जाता है कि जायगोट का ट्रांसफ़र किया जाता है इंट्रा फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, आया समझ में। जायगोट क्या, कहने का मतलब है कि फर्टिलाइज एग को, मतलब कि जब एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हुआ, तो विदिन 24 आवर्स तुरंत ही क्या करेंगे, जो जायगोट होगा उसको फैलोपियन ट्यूब में क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र
कर दिया जाता है। जबकि IVF में क्या किया जाता था, फर्टिलाइजेशन के 5 दिन बाद इम्ब्रियो को वहाँ पे इम्प्लांट किया जाता था, कहाँ पे, यूट्रस में। पर यहाँ पे जायगोट को ही इम्प्लांट कर दिया जाता है, कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक, समझ में आ गया अच्छे से, चलिए देखते हैं। तो जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र इज़ एन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव प्रोसीजर सिमिलर टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड इम्ब्रियो ट्रांसफ़र, द डिफरेंस बीइंग दैट द फर्टिलाइज इम्ब्रियो इज़ ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब इंस्टीड ऑफ द यूट्रस। तो यहाँ पर जो फर्टिलाइज एग होगा उसको यूट्रस में ना डाल के फैलोपियन ट्यूब में ही इंसर्ट कर दिया जाएगा। बिकॉज द फर्टिलाइज एग इज़ ट्रांसफर्ड डायरेक्टली इनटू द ट्यूब, द प्रोसीजर इज ऑल्सो रिफर्स टू एज ट्यूबल इम्ब्रियो ट्रांसफ़र। अब इसमें क्या होता है, जो फर्टिलाइज एग है, जो जायगोट है, उसको तुरंत ही ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग ट्यूबल इम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी कहा जाता है, टेट। ठीक है, दिस प्रोसीजर कैन बी मोर सक्सेसफुल देन गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र बिकॉज योर फिजिशियन हैज़ अ ग्रेटर चांस ऑफ इंश्योरिंग दैट द एग इज़ फर्टिलाइज, द वुमेन मस्ट हैव हेल्दी ट्यूब फॉर जिफ्ट टू वर्क। देखिए, गिफ्ट से ही अच्छा होता है, गिफ्ट से जिफ्ट अच्छा होता है, इसलिए अच्छा होता है क्योंकि गिफ्ट में ये नहीं देखा जाता था, डॉक्टर ये नहीं देख सकता था कि फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं, वहाँ पे सिर्फ गैमेट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। लेकिन जिफ्ट के केस में क्या होता है, जब फर्टिलाइज हो जाता है एग, उसके बाद ही उसको ट्रांसफ़र किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, फर्टिलाइज एग को। तो ऐसे में ये कन्फर्मेशन तो हो ही जाता है कि फर्टिलाइजेशन हो गया। और इसमें क्या है, जिफ्ट में भी क्या है कि हेल्दी ट्यूब चाहिए, जैसे कि गिफ्ट में भी कम से कम एक हेल्दी फैलोपियन ट्यूब चाहिए, उसी तरह जिफ्ट में भी होना चाहिए। जबकि IVF का परफॉर्म करते हैं जब फैलोपियन ट्यूब ही डैमेज हो गई हो, कोई प्रॉब्लम हो गया हो, इसीलिए IVF में क्या कहता है, यूट्रस में डाला जाता है इम्ब्रियो को। लेकिन अगर फैलोपियन ट्यूब गिफ्ट के केस में और जिफ्ट के केस में सही है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जिफ्ट के केस में गैमेट को फैलोपियन ट्यूब में जाता है और यहाँ पर जिफ्ट के केस में फर्टिलाइज्ड एग को फैलोपियन ट्यूब में डाला जाता है। ठीक है, तो उसके आगे क्या है, द एडवांटेज टू जिफ्ट इज़ दैट इट इज़ क्लियर फर्टिलाइजेशन हैज़ टेकन प्लेस, ये क्लियर हो जाता है जिफ्ट में कि फर्टिलाइजेशन हुआ है। ठीक है, उसके बाद ही जो है इंसर्ट किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज एग को विथ जिफ्ट अर्ली इम्ब्रियो। जायगोट क्या है, एक तरह से जायगोट क्या है, अर्ली इम्ब्रियो ही है। तो वो बना कि नहीं बना ये गिफ्ट में नहीं समझ में आता है, लेकिन गिफ्ट में कन्फर्म हो जाता है। देखिए, इस फिगर से आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, फर्टिलाइजेशन यहाँ आउटसाइड द बॉडी हुआ IVF की तरह ही। ठीक है, पेट्री डिश में फर्टिलाइजेशन हुआ, एग को लिया गया और उसके बाद स्पर्म यहाँ पे जो है यहाँ पे मिक्सिंग की गई, प्लस यहाँ पे क्या किया गया, फर्टिलाइजेशन हुआ। अब फर्टिलाइज्ड एग को यहाँ पर इम्प्लांट किया गया है। ठीक है, तो ये जो फर्टिलाइज्ड एग है ये क्या है, जायगोट है। और जायगोट क्या है, एक अर्ली इम्ब्रियो ही है। जायगोट किस में चेंज होगा, मोरूला में होगा। मोरूला किस में होगा, ब्लास्टोसिस्ट में होगा, और यही ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में जाके इम्प्लांट होता है। जब तक ये स्टेज नहीं आएगी तब तक इम्प्लांट नहीं होता है। तो अगर फैलोपियन ट्यूब हेल्दी है तो क्या ज़रूरत है यूट्रस में इम्प्लांट करने की, फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जिफ्ट की ज़रूरत क्यों पड़ गई, क्यों, क्योंकि अगर किसी वजह से जो है स्पर्म की यहाँ तक पहुँच ही ना पा रहा हो, है ना, यहाँ तक पहुँच ही ना पा रहा हो फैलोपियन ट्यूब तक, तो ऐसे में स्पर्म और या फर्टिलाइजेशन ना हो पा रहा हो, या मतलब एग को क्या कर रहा हो, स्पर्म जो है पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रहा हो, तो ये जो पेनिट्रेशन है, फर्टिलाइजेशन, ये आउटसाइड द बॉडी कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर स्पर्म नहीं पहुँच पाया हो, या पेनिट्रेट ना कर पा रहा हो, या ओवन सही टाइम पे नहीं पहुँच पाया हो, यानी एग नहीं सही पहुँच पाया हो, तो ऐसे में जिफ्ट टेक्निक की मदद से फर्टिलाइज्ड एग को यहाँ पर जायगोट में जो है डाल दिया जाता है, और ये विद इन 24 आवर किया जाता है। अच्छा, एक सवाल आएगा आपके दिमाग में, क्यों IVF में
फर्टिलाइजेशन के 5 दिन बाद इम्ब्रियो का ट्रांसफ़र होता है, जबकि जिफ्ट में जो है फर्टिलाइजेशन के विद इन 24 आवर्स ही हो रहा है। ठीक, तो ये बात याद रहे कि IVF में इम्ब्रियो का जो इम्प्लांट, मतलब उसको जो प्लेस किया जाता है इम्ब्रियो को, यूट्रस में किया जाता है IVF टेक्निक में, जबकि जिफ्ट में जो फर्टिलाइज एग है उसका जो उसको कहाँ प्लेस किया जा रहा है, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आने में भी 5 से 7 दिन लगते हैं, जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट बनने में 5 से 7 दिन बनते हैं, और ब्लास्टोसिस्ट जब तक नहीं बनेगा यूट्रस में वो इम्प्लांट नहीं होगा। तो जब यहाँ पे जिफ्ट में जब फर्टिलाइज एग को जाइगोट के स्टेज में ही, जो कि एक अर्ली एम्ब्रियो, यहीं पे यहाँ पे इम्प्लांट कर दिए, तो वो खुद ब खुद नेचुरल कंडीशन में नरिशमेंट पा के, ठीक है, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से वो आके यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा। तो इसीलिए जिफ्ट में इसको तुरंत कर दिया जाता है, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना ही है फैलोपियन ट्यूब में, ना कि यूट्रस में। लेकिन IVF में चूंकि फैलोपियन ट्यूब ख़राब हो चुकी होती है, डैमेज हो चुकी होती है, तो हमें जब तक ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज तक न चला जाए एम्ब्रियो, तब तक हम लोग उसको यूट्रस में नहीं उसको प्लेस करेंगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि फैलोपियन ट्यूब सही है तो हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों तो डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से यही समझ में आ गया होगा। अच्छा, इनका प्रोसीजर भी जान लीजिए कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, वुमेन्स ओवरी आर स्टिमुलेटेड विथ मेडिकेशंस टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग मल्टीपल एग। देखिए, तीनों कंडीशन में ही फीमेल को, जो वुमेन होती है, उसके ओवरी का स्टिमुलेशन करना पड़ता है दवा की सहायता से, जिससे कि मल्टीपल एग बनाए। ठीक है, मल्टीपल एग, नॉर्मली एक एग एक मंथ में बनता है, तो जब मल्टीपल एग बनेगा तभी तो उसको निकालेंगे और सही क्वालिटी देख के एग की और स्पर्म की उसको फर्टिलाइज करके इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टिमुलेशन तो तीनों ही प्रक्रियाओं में है, जिफ्ट में भी है, IVF में भी है। ठीक, उसके बाद यहाँ करेंगे, एग्स आर देन कलेक्टेड। तो अब जब मल्टीपल एग का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, ओवरी में, तो एस्पिरेशन प्रोसीजर की मदद से, जिसमें क्या होता है, नीडल को वेजिना से होते हुए, सर्विक्स से होते हुए, ओवरी से क्या क्या होता है, एग को निकाला जाता है, तो इस मेथड में भी निकाला जाएगा। ठीक है, किस में, जिफ्ट में। उसके बाद दोज एग्स आर फर्टिलाइज्ड इन अ लेबोरेटरी इन अ प्रोसीजर आइडेंटिकल टू IVF। तो जिस तरीके से IVF में फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी था, उसी तरह जिफ्ट में भी फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी ही हो रहा है फीमेल के। ठीक है, तो ये IVF में कॉमन है कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, जबकि गिफ्ट में कहाँ पे हो रहा था फर्टिलाइजेशन, फैलोपियन ट्यूब में हो रहा था। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग द जिफ्ट प्रोसीजर फर्टिलाइज्ड एग आर ट्रांसफर विद इन 24 आवर्स वर्सेस 3-5 डेज एज यूज इन रेगुलर IVF साइकिल। तो यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि 24 आवर्स के अंदर ही जिफ्ट को फैलोपियन ट्यूब में प्लेस कर देना है, जबकि IVF में एम्ब्रियो को, ठीक है, जो कि कई सेल डिवाइड हो चुका होता है, तो उसको हम लोग यूट्रस में प्लेस करते थे और 3 से 5 दिन बाद करते थे। द फर्टिलाइज्ड एग आर देन ट्रांसफर्ड टू द लेपारोस्कोपिक प्रोसीजर, ठीक है, वेयर अ कैथेटर इज प्लेस डीप इन द फैलोपियन ट्यूब एंड द फर्टिलाइज एग इज इंजेक्टेड। तो इंजेक्ट कर दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, किस की मदद से, लेपारोस्कोपिक प्रोसीजर की मदद से। द फाइनल स्टेप इज टू वॉच फॉर अर्ली प्रेगनेंसी सिस्टम। द फर्टिलाइज फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट विल प्रोबेबली यूज अ ब्लड टेस्ट टू डिटरमाइन इफ प्रेगनेंसी हैज अकर्ड। तो SCG हार्मोन का इसमें लेवल देखते हैं, तो उसके बाद प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन यहाँ पे देखेंगे, इम्प्लांट हो जाएगा तभी तो कंफर्मेशन होगा। अगर जाइगोट बना, फिर क्या बना, मोरूला, फिर ब्लास्टोसिस्ट, फिर वो क्या होगा, इम्प्लांट होगा। अगर इम्प्लांट ही नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी नहीं मानी जाएगी, प्रेगनेंसी तब मानी जाएगी जब इम्ब्रियो एंडोमेट्रियल वॉल पे यूट्रस में इम्प्लांट हो जाए, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी को देखा जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई, टेस्ट करते रहते हैं डॉक्टर कंफर्मेशन के लिए कि इम्प्लांट हुआ कि नहीं हुआ। जिफ्ट और IVF का मैंने डिफरेंस बता दिया है, यहाँ पे ये जान लीजिए कि जिफ्ट और IVF दोनों मोर सीवियर इनफर्टिलिटी केस में ही की जाती है। ठीक है, दोनों में ही इम्ब्रियो का कल्चर किया जाता है आउटसाइड द बॉडी। जिफ्ट और IVF में क्या होता है, अच्छी क्वालिटी का इम्ब्रियो सेलेक्ट करके हम लोग उसमें
क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब यूट्रस में डाल देते हैं, IVF के केस में यूट्रस में और गिफ्ट के केस में फैलोपियन ट्यूब में, जबकि गिफ्ट में हम लोग अच्छी क्वालिटी का एम्ब्रियो नहीं डाल सकते हैं, स्पर्म और एग की ही अच्छी क्वालिटी देख के हम वहाँ पे भले इंजेक्ट कर दें, लेकिन इन दोनों केस में क्वालिटी एम्ब्रियो की अच्छी देख ली जाती है, ठीक है, उसके बाद ही वहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है। ज़िफ ट्रांसफर्स द फर्टिलाइज एग नहीं एम्ब्रियो इन टू द फैलोपियन ट्यूब वेयर एज IVF एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसेस रिजल्ट इन द फर्टिलाइज एम्ब्रियो बींग, तो वही वाली बार बार जो मैं बात बता रही हूँ कि IVF में यूट्रस में होगा, ज़िफ्ट में फैलोपियन ट्यूब में होगा, ये रट लेना, यही तो डिफरेंस है मेन। द ज़िफ्ट प्रोसीजर डिफर्स फ्रॉम IVF इन दैट द ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इन टू द ट्यूब रिक्वायर्स एन एक्स्ट्रा सर्जिकल प्रोसीजर कॉल्ड लेपारोस्कोपिक, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, चूँकि फैलोपियन इसमें देखिए जिफ में एक एक्स्ट्रा प्रोसीजर होता है जिसको लेपारोस्कोपिक बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें फैलोपियन ट्यूब में जो है अर्ली इम्ब्रियो को जाए फर्टिलाइज एग को डाला जाता है, ठीक है, तो IVF और इसमें ये अंतर है। उसके बाद ये तो हो गया, मैंने आपको यहाँ फिगर भी दिखा दिया था, जिफ्ट हुआ तो जिफ्ट गिफ्ट और IVF तीनों के मैंने डिफरेंसेस बहुत अच्छे से बता दिए हैं, आप दोबारा सुनिए अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो, ठीक है, होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसीलिए आप प्रीत बायोलॉजी को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।